हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी। उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बिरयानी के चावल। उसके बाद हम चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे 3 से 4 बार, और फिर हमें उसे आधे घंटे के लिए रख देना है साइड में भिगोकर। फिर बाद में हम यहाँ एक पैन में पानी लेंगे और उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, और फिर बाद में जो हमने चावल रखे थे आधे घंटे के लिए वो इसी में हम डाल देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे घी, क्योंकि घी से चावल एकदम खिले खिले और सफ़ेद बनते हैं। और फिर हम नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, और फिर बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे हम। फिर बाद में हम दूध में थोड़ा सा केसर डालकर हम इसे साइड में रख देंगे, और फिर हम प्याज ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और इसे कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे, बहुत पतले भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं, और बस कुछ इस तरह से हम ये सारे प्याज कट कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से इसके लच्छे बना लेने हैं। और ये देखिए, मेरे चावल बिल्कुल पक चुके हैं, हमें पूरा नहीं पकाना। फिर इसको देखो, ऐसा करके हम लोग साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है, और इसमें हम डालेंगे प्याज, उसे हमें फ्राई करने हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, अभी फ्राई हो गए हैं मेरे प्याज, और मैंने इसे साइड में अभी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। बस हम इस साइड में, फिर हम आलू ले लेंगे यहाँ पर, और फिर हम गाजर ले लेंगे, और थोड़े से मैंने बीन्स भी यूज़ किए हैं यहाँ पर, कॉलीफ्लावर और मटर भी यूज़ किए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मैरिनेशन करेंगे, तो हम दही ले लेंगे, उसमें डालेंगे लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे हल्दी, उसके बाद डालेंगे हम गरम मसाला, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा पाउडर, और ढेर सारा हम यहाँ पर डालेंगे बिरयानी। बिरयानी मसाला हमने डाल दिया है, और हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला है, तो यहाँ पर उस बात का हमें ध्यान रखना है। बाद में हम सारा जो वेजिटेबल है वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, हम इसे मैरिनेट करने के लिए साइड में फिर रख देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाइम जूस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और फिर हम डालेंगे इसमें जो हमने प्याज तले थे वो ऊपर से हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब हमें इसे मैरिनेशन के लिए साइड में रख देना है। फिर मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च और 2 बड़े वाले टमाटर लिए हैं, इसको हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक पैन में कुकिंग ऑयल डालकर रखेंगे, फिर उसमें जीरा ऐड करेंगे, फिर वही टमाटर और मिर्च हम इसमें डाल देंगे, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। फिर हमें जो सब्ज़ियाँ मैरिनेशन के लिए रखी थी वो सारी इसमें हम डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, फिर इसमें पुदीना और धनिया हम डाल देंगे,
20 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी अब पक गई है, अब हम लेयर की तैयारी करेंगे। सो पहले हमें एक पैन में थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डाल ली है जो हमने अच्छी तरह के तरीके से मैरिनेट और फ्राई की थी। फिर हमें चावल डालने हैं, चावल का लेयर करना है। हमने चावल का भी लेयर कर लिया है, अब देख सकते हैं। कि सब्ज़ी आपको बहुत कुक नहीं करनी क्योंकि अभी इसमें दम भी लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर केसर डाल रहे हैं जो हमने भिगो कर रखा था दूध में, इससे ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर ऊपर से हम डालेंगे, गार्निश करेंगे धनिया, थोड़ा सा पुदीना और वो वाले प्याज, ठीक है। और हम फिर से इसमें एक सब्जी का लेयर बनाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जो सारी सब्जी है वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से लेयर कर लेंगे। और फिर से वो जो बचे हुए चावल है वो उसका दूसरा लेयर हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से, अच्छे से लेयर हम बना लेंगे इसका। ऊपर से वो केसर वाला दूध फिर से हम डाल देंगे इसमें। फिर से हम धनिया और पुदीना डाल देंगे और फिर हम जो नींबू है उसकी छोटी छोटी स्लाइस करके हम यहाँ पर रख देंगे। और फिर बाद में हम इसमें डालेंगे वही वाले प्याज। चलिए यहाँ पर प्याज भी हमने डाल दिया। फिर हम इसका लीड लगा देंगे जो ढक्कन है वो। और फिर बाद में मैंने यहाँ पर आटे की लोइयाँ बनाई है, उससे हम इसको पूरा कवर कर देंगे ताकि जो दम लगे वो सही। हम घर पर ऐसे ही बनाते हैं, इसे अच्छी तरीके से हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ध्यान रखें धीरे धीरे। और इसे अभी हम जो रोटी सेकने वाला तवा है उस पर रखकर सेकेंगे। और देखिए यहाँ पर मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। एकदम खिले खिले चावल और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है मेरी। टेस्ट में और ये इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में। ये देखिए बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही है मेरी बिरयानी। और ये वेज है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। सो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।